दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स मोटर की अर्बानिया गाड़ी के बारे में, जिसको कंपनी ने उन ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बनाया है दोस्तों, जिनको कि थोड़ा सा प्रीमियम फील होना चाहिए गाड़ी के अंदर। हालांकि दोस्तों फोर्स मोटर की ट्रैवलर गाड़ी जो है ऑलरेडी मार्केट के अंदर रनिंग है, उनके अंदर भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स और कंफर्ट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसको एक नए ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी ने लगभग एक साल पहले लॉन्च किया था। और ये गाड़ी जो है तब से लेकर के आज तक काफ़ी प्रीमियम ग्राहकों के लिए काफ़ी कंफर्ट और उनके जो है जर्नी का जो है सहारा बनी हुई है। सबसे पहले दोस्तों आप इस गाड़ी को देखें, इसकी बनावट जो है फोर्स मोटर की अदर गाड़ियों से थोड़ा सा अलग डिफरेंट आपको यहाँ पर फील देने का काम करती है। ये जो सामने का प्रोफाइल है हालांकि मिलता जुलता वैसा ही है, लेकिन इसका जो प्रोफाइल है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफर यहाँ पर करती है। तो बड़े लेटर्स के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पर अर्बानिया की ब्रांडिंग। ग्रिल है इंजन को वेंटिलेशन करने के लिए। नीचे की साइड में बम्पर बाहर की साइड में थोड़ा सा निकला हुआ है। यहाँ पर इसके ऊपर लगे हुए हैं इसके फोग लैम्प, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ में हेडलाइट का जो नीचे कंसोल दिया है वो आपको दिया है हैलोजन बेस्ड। इसी के ऊपर आपको यहाँ पर DRLs वगैरह भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं गाड़ी को यहाँ पर जो है फ्रंट से एक अच्छी खासी रोड प्रेजेंस जो है देने का काम ये करती है। ये जो गाड़ी है ना दोस्तों, ऐसी लगती है कि गाड़ी जो है फॉरेन से आई हुई गाड़ी है, यानी कि विदेशी गाड़ी होने का एक फील कराती है इंडिया के अंदर। तो अर्बानिया की अगर हम बात करें दोस्तों, 9 सीटर से लेकर के 17 सीटर, यानी कि 9 सीटर, 13 सीटर और 17 सीटर, तीन तरह के सीटिंग ऑप्शंस के साथ में ये गाड़ियाँ आती हैं। और इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। फोर्स मोटर का 2.6 लीटर का CRED इंजन इसके अंदर लगाया गया, जो कि 4 सिलेंडर का है। कॉमन रेल DI TCIC इंजन है, और 2596 CC का इंजन है, जो कि 85 किलोवाट यानी कि 115 HP का पावर प्रोड्यूस करता है और 350 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पर दे देता है। क्लच और गियर आपको 5 स्पीड मिलता है इसके अंदर। क्लच का स्पेसिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। स्टीयरिंग आपको इसके अंदर मिलता है पावर स्टीयरिंग, जो कि टिल्ट फंक्शन के साथ में आएगा। फ्रंट और रियर में आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर दिए हुए हैं। टायर आपके 15 इंच के हैं। 70 लीटर का डीजल टैंक है, और अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ABS EBD ESP, इस तरह की जो है आपको यहाँ पर सेफ्टी के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिल जाती हैं। एक और ख़ास बात दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो फर्स्ट वेरिएंट यानी कि 7 सीटर और 13 सीटर, दो वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पर फ्रंट में दो एयरबैग भी सेफ्टी के लिहाज से कंपनी ने प्रोवाइड करवाए हैं। तो अब हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। फिलहाल काफ़ी सारे लोग हैं जो कि गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह का इसका अंदर का फील है। हम भी टेस्ट करेंगे। एक डोर आपका यहाँ पर ये खुलता है कुछ इस तरह से। देखो डोर खुलने के बाद में आपको कैसा फील आ रहा है दोस्तों, आप देखें तो सही जरा। इसका जो ये फ्रंट का जो ये पूरा का पूरा कंसोल है ना, इसको पूरा ही नया लुक दिया है कंपनी ने, मतलब एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया है। एयरबैग आप देख सकते हैं, 7 सीटर और 13 सीटर दोनों ही ऑप्शंस के साथ में आपको एयरबैग की सुविधा मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। फोर्स की ब्रांडिंग है। मोबाइल चार्जिंग का यहाँ पर पॉइंट है, वहाँ पर भी पॉइंट है। एयर कंडीशन, ये गाड़ी दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ AC मॉडल के साथ में ही मिलने वाली है। ये आप देखें यहाँ पर, ये पॉकेट अलग से एक है। यहाँ पर आपका फर्स्ट एड वगैरह और टूल किट वगैरह, मतलब एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है। ये डोर की आप फिट एंड फिनिश देखें यहाँ पर, इसके ऊपर आप पानी की बॉटल रख सकते हैं, यहाँ पर और कुछ सामान रख सकते हैं, नीचे भी आप कुछ रख सकते हैं। डोर का मतलब यूटिलाइज़ किया पूरा जगह का, मतलब कि यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान रख सकें। तो गाड़ी को एक नए प्लेटफॉर्म पर बना करके कंपनी ने हर चीज़ को यहाँ पर उसी तरह की का यूज़ किया है, जो कि एक अलग ही फील आपको कराएगी। आप देखें ऊपर चढ़ने के लिए, नाइट में उजाला करने के लिए आपको यहाँ पर लाइट लैंप दिए हैं। तो यहाँ की आप सीट देखें, ये सीट देखें, इसका फैब्रिक देखें आप कितना अच्छा है। हेडरेस्ट वगैरह आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके कंफर्ट को एनहेंस करते हैं। डैशबोर्ड माउंटेड आपको इसका गियर नॉब दिया है, जिससे कि आपको वॉक थ्रू स्पेस मिलता है। पानी की बॉटल आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ये आपके ब्लोअर के पॉइंट हो गए। तो ये तो था आगे का हिस्सा, और मैं आपको इसका जो पीछे का हिस्सा है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर गाड़ी के, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है आई थिंक, तो आपको शायद दिखाई दे जाएगा। तो ये अंदर का लुक आप देखें दोस्तों, यहाँ पर लाइट वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था की गई। और दूसरा, इसके अंदर आपको 3 जोन के अंदर AC जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आप देखें ये वाला AC यूनिट, ये वाला AC यूनिट, और एक यूनिट जो है आपको AC की यहाँ पर दी है इसके डैशबोर्ड के ऊपर। तो 3 जोन AC है, ये भी लाइट है। सनवाइज़र काफ़ी बड़े हैं। इस साइड में भी आप देखें, यहाँ पर आपको एक जो है ये इमरजेंसी का दिया हुआ है। तो सेफ्टी, कंफर्ट और इंटीरियर में ब्यूटी के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी काम किया है अर्बानिया के अंदर। ये जो सीट हैं सारी की सारी आपको पुशबैक फंक्शन के साथ में मिलती हैं। हर सीट के ऊपर आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट दिए हैं। सीट बेल्ट दी हैं, जिससे कि आप गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी में बैठे बैठे, गानों का आनंद लेते लेते आपके फ़ोन वगैरह डिस्चार्ज हुआ थे तो आप उनको चार्ज कर सकें। पानी की बॉटल रखने के लिए स्पेस अलग अलग से दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे
एसी के कंट्रोल नॉब आपको अलग अलग से दिए हैं, रीडिंग लाइट है, हर सीट के ऊपर आपको इमरजेंसी के ऑप्शन है। इनकेस आपको कभी कुछ ज़रूरत पड़ी तो आप इमरजेंसी पुश करके ड्राइवर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकेंगे। हैमर वगैरह है पीछे, आपका ये इमरजेंसी एग्जिट है। बिल्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, सर बजा करके देख रहे हैं कैसी है साहब बिल्ट क्वालिटी, ठीक ठाक है, मस्त है। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, ज़रा आइए सर। आप ये गाड़ी देख रहे हैं तो क्या ख़रीदने का प्लान है कि क्या है सर, थोड़ा सा आइए ज़रा, अपने विचार रखिए सर, प्लीज़ बताइए। देखने का प्लान है, गाड़ी खरीदने का प्लान है आपका? प्लान है तो गाड़ी मस्त है ना अर्बानिया, बाकी गाड़ियों से काफी अच्छा, बाकी से अलग है, ऐसी फील कराती है, विदेशी गाड़ी है। लॉन्ग टाइम फोर्स ने काफी अच्छी गाड़ी निकाली है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, लुक वाइज भी अच्छी है। वैसे हालांकि फोर्स की बाकी गाड़ियां भी अच्छी हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक के अंदर, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वैसा ही मतलब। तो धन्यवाद सर, हम उम्मीद करते हैं आप ये गाड़ी जल्दी से जल्दी खरीदें, है कि नहीं। और ये देखें भैया आप पीछे का व्यू, यहाँ पे पीछे में आपको चार लोगों की सीटिंग मिलती है एक रो के अंदर, और सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, फैब्रिक भी अच्छा है। यहाँ से भी आप पीछे वाले डोर को ओपन करके बाहर निकल सकते हैं, चढ़ सकते हैं। और ये ओवरऑल व्यू आप एक बार और देख लें, फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से पूरा व्यू देखें आप। तो 7 सीटर 13 सीटर और 17 सीटर तीन तरह के ऑप्शंस में आप इन गाड़ियों को खरीद सकते हैं, जिनकी कीमतों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 30 लाख रुपए से लेकर के और 36 लाख रुपए के आसपास की कीमतों में मेरे ख्याल से ये गाड़ियों की कीमतें हो सकेंगी, इतना मुझे अनुमान है। तो मैं निकलता हूँ बाहर, और ये जो पीछे वाला डोर आपको यहाँ पर दिया है, ये आपका आता है मारुति ओमनी के अंदर, या जिस तरह से आपका ईको के अंदर आता है स्लाइडिंग डोर, उस तरह से जो है ये डोर यहाँ पर स्लाइडिंग होते हुए बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रीमियम फील कराता है गाड़ी के अंदर। तो इसको आप यहाँ पर देखें, दबाएं, स्लाइड करें, और ये फंक्शन ये आप देखें यहाँ पर। और व्हील्स के ऊपर भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, व्हील्स के ऊपर जो इसकी कैप वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी दी है आपको यहाँ पर। पीछे से आप गाड़ी को देखें, ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा दे दिया है, मतलब कि गाड़ी के अंदर रोशनी की, उजाले की कोई कमी नहीं है, देखने में भी अच्छी लगती है। बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ होती हैं वो फोर्स की ब्रांडिंग है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है, अर्बानिया की ब्रांडिंग है। और यहाँ ऊपर आपको एक छोटू सा जो है कैमरा भी जो है इस गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों इस गाड़ी को मैंने आपको पूरा दिखा दिया है चारों तरफ से। एक बार मैं ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो भी खोल के दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। ये देखें आप ड्राइवर साइड का एरिया, ऑलमोस्ट जो डोर हैं वो आपके लगभग 70-80 डिग्री के आसपास में ओपन होते हैं, जिससे आपको वाइड एंट्री मिलती है यहाँ पर। ये देखें आप, नाइट में चढ़ने के लिए आपको लैंप भी दिया है, इस साइड में भी आपकी पानी की बॉटल है, ये वो दुनियादारी। म्यूजिक सिस्टम के लिहाज से इसके अंदर मेरे ख्याल से 6 स्पीकर दिए हुए हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है 6 स्पीकर दिए हुए हैं म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से। और इस वीडियो को करते हैं हम यहीं समाप्त, और मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस जानकारी को आप अपने मित्रों में ज़रूर साझा करें।